हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ नीरज गुप्ता। जैसे कि आप जानते हो कि पिछली वीडियो तक मैंने आपको वो इन्वेंट्री वाली क्वेश्चन सीरीज़ कह लो या ट्रांजैक्शन की सीरीज़ कंप्लीट करवा दी थी, उसकी बैलेंस शीट भी हमने स्टडी कर ली थी प्रॉपरली। तो चलिए अब आगे चलते हैं और देखते हैं कि स्टॉक क्वेरीज किस तरह से करते हैं, यानी अगर हम किसी पर्टिकुलर स्टॉक आइटम के बारे में क्वेरी करना चाहें, भाई कितनी परचेज हुई, कितनी सेल हुई, क्या बैलेंस है ना, कौन उसके टॉप बायर्स हैं, सेलर्स हैं, लास्ट 5 ट्रांजेक्शन्स कितनी हैं या और जो भी, तो इस तरह की सारी इन्फॉर्मेशन, ये स्टॉक से रिलेटेड क्वेरीज हम कैसे करते हैं, आइए इस वीडियो में हम ये जानते हैं। सो जैसा कि आप असाइनमेंट में देख सकते हैं, आगे दिया गया आपको हाउ टू सी स्टॉक क्वेरी। जहाँ तक पाथ का सवाल है, गेटवे ऑफ टेली से हम डिस्प्ले में जाकर स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री देखते हैं। ऑब्वियसली वी हैव टू सी द डिस्प्ले, तो वी हैव टू गो इन डिस्प्ले एंड हेयर व्हाट विल सी द स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया है कि हम बजाज फैंस का देखेंगे। यहाँ पर मैंने एक आपको बात बताई कि यहाँ पर हम लास्ट 5 ट्रांजेक्शन देख पाते हैं बाई डिफॉल्ट। अगर आप इसको चेंज करना चाहें तो F12 कन्फिग्रेशन से इसको चेंज कर सकते हैं। तो मैंने क्या बोला, अगर हमें किसी भी स्टॉक के बारे में जानना है, एक स्टेटमेंट देखनी है, कितनी परचेजेज है, कितनी सेल्स है, क्या बैलेंस चल रहा है एंड ऑल दैट, तो हमारे को क्या करना होगा, गेटवे ऑफ टेली पे जाके डिस्प्ले पे जाके स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री स्टॉक क्वेरी, लास्ट 5 ट्रांजेक्शन बाय डिफॉल्ट दिखेंगी। अगर नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन बढ़ानी है तो हम F12 कन्फिग्रेशन में जाके इसको चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक बात इंपॉर्टेंट है, वो ये कि जैसे आज मैंने आपको एक चीज़ सिखाई कि भाई स्टॉक क्वेरी ऐसे देखते हैं, मेरे को नहीं लगता कि एक भी स्टूडेंट ऐसा होगा जिसको ना समझ में आए। लेकिन जब आपकी रियली में जॉब लगेगी या आप इंटरव्यू में जाएंगे, उस दिन हो सकता है कि आपको ये याद ना आए कि स्टॉक क्वेरी कहां से करते हैं। आफ्टर ऑल हम सब इंसान हैं, हम सबकी कोई कितना भी महान क्यों ना हो, जो इंटेलिजेंस है, जो मेमोरी है, वो लिमिटेड है। अब हम हो सकता है कि भूल जाएं। इसलिए मैं आप सबको ये सजेस्ट करूंगा कि अगर आपको रियली लगता है आप नहीं भूलोगे तो छोड़ दो, लेकिन अगर आपको लगता है भूल सकते हो तो इस तरह के जो पाथ हैं टैली के, ये हेडिंग्स के साथ आप अपने रजिस्टर में अपने स्टाइल से एक छोटा सा एक पतला सा कोई स्पायरल ले लें, कोई पतला सा रजिस्टर ले लें, उसमें इस तरह की चीज़ें आप लिख लें, पहले भी जो बताई हैं उनमें भी चीज़ें लिख लें। और अब जो है, अब जैसे खासकर ये आया, अब हर एक वीडियो में अब जो भी आगे आएंगी छोटी छोटी चीज़ें बताऊंगा, उसके बाद खैर हम टैली फॉर GST की सीरीज़ करेंगे, उसमें एक बार फिर से रूटीन एंट्रीज बताने के बाद फिर से उसमें छोटी छोटी चीज़ें और बहुत सारी जो टैली में हैं वो मैं आपको टैली फॉर GST की सीरीज़ में करवाऊंगा। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रहें, स्पेशली इंटरव्यू वाले दिन आप बता पाओ। कई बार यही होता ना, इंटरव्यू में ही हम नहीं बता पाए तो फिर वो बाद में तो उसमें मौका ही नहीं मिलता। तो ये आपको सजेस्टेड है कि आप इस तरह के जो ये पाथ हैं किसी भी चीज़ से रिलेटेड या कोई भी छोटा एक, वैसे तो नोट्स अपने आप में ही ब्रीफ नोट्स हैं, लेकिन फिर भी हम आपको नोट्स दे रहे हैं, साथ में उसमें हम वीडियो की इमेजेस भी दे रहे हैं, कौन सी चीज़ हमने कैसे करके दिखाई है, तो थोड़ा सा ऐसा हो सकता है कि आपको वो एक बुकलेट जैसा फील हो, तो आप अपना एक कॉपी के अंदर इन चीज़ों को लिख लें, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर हम अकाउंट्स इन्फो पे हैं, किरण एंड कंपनी, जिसकी हमने बैलेंस शीट वगैरह भी बना के देखी थी। अब हम शुरू कर रहे हैं इन्वेंट्री पे जाना है, तो हम डिस्प्ले पे गए। डिस्प्ले के बाद हमने ये देखा स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री, इसमें ये ई बड़ा था, मैं चाहता तो सिर्फ ई प्रेस करके भी कर सकता था, यानी आप कर सकते हो, ट्रायल के लिए टी दबाओ, डे बुक के लिए डी दबाओ, अकाउंट्स बुक के लिए ए दबाओ, दैट इज़ पॉसिबल। मैंने इसको वैसे ही जो है वो एरो की से यूज़ किया। तो स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री में हमने देखना है स्टॉक क्वेरी। स्टॉक क्वेरी में जैसे सबसे पहला बजाज फैंस है, हमने उसी की क्वेरी की। तो अगर हम इसमें जाएंगे तब हम देख पा रहे हैं कि ये हमारी परचेजेज हैं। देख रहे हैं आप, रोहन ट्रेडर से 10 पीस 1000 रुपये पे लिए, बजाज एंड कंपनी से 17 पीस 800 रुपये में लिए, सेल के नाम पर सिर्फ 10 पीस 900 रुपये में रीता एंड कंपनी को हमने बेचे हैं ना। तो अभी 18 पीस जो हैं हमारे पास बचे हैं, वो एक्चुअली एक पीस हमने बजाज एंड कंपनी के बाद में रिटर्न भी कर दिया था, है ना। तो ये लास्ट परचेज दिखा रहा है, 8 अप्रैल को की थी 10 पीस, लास्ट सोल्ड ऑन ये दिखा रहा है। तो इस तरह से ये काफ़ी इन्फॉर्मेशन जो है वो आपको एक ही पेज पर दिखा रहा है कि हमारे क्लोजिंग स्टॉक की इतनी वैल्यू है, स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस ये है, फीफो मेथड हम कॉस्टिंग का यूज़ कर रहे हैं, है ना। टोटल हमने जो है वो 18 पीस अभी हमारे पास बचे हुए हैं। तो व्हाट आई मीन टू से कि इस तरह से ये आइटम शो होती हैं। अब इसमें जैसा मैंने आपको असाइनमेंट में भी बताया था कि इसमें बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो ये लास्ट 5 ट्रांजेक्शन आपको दिखाता है। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे ये हमें पता चलता है। इसकी कॉन्फ़िगरेशन में हम जब जाएंगे तो आप देखेंगे ये जो आइटम है, शो लास्ट नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन 5। वो बात अलग है, मैंने तो आपको सिर्फ एक महीने की एंट्रीज दिखाई थी, तो 5 ट्रांजेक्शन से कम ही है तो उसने सारी दिखा दी। अगर ज़्यादा होती तो ये 5 ही दिखाता। अब अगर आप चाहते हो कि लास्ट 10 ट्रांजेक्शन दिखें,
है ना, या 8 दिखें, तो ये आपको फिगर यहाँ चेंज करनी पड़ेगी। इसी तरह से एक और चीज़ पे मैं ध्यान दिलाना चाहता हूँ, शो रिलेटेड आइटम्स ऑफ द सेम ग्रुप पे मैंने येस किया हुआ है, अगर आपको नहीं देखनी तो आप नो भी कर सकते हो। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन इस तरह से हो रखी है, तो इसीलिए ये आइटम्स ऑफ द सेम ग्रुप भी दिखा रहा है कि भी ठीक है आप बजाज फैन दिखा रहे हो, लेकिन इसी ग्रुप में पोलर फैन भी है, इसी ग्रुप में उषा फैन भी है, और चीज़ें भी आइटम्स ऑफ द सेम ग्रुप आप यहाँ पर देख पा रहे हो, ठीक है ना। चलिए अब हम चलते हैं असाइनमेंट के ऊपर। अब हम देखते हैं, इफ़ यू वांट टू सी द आइटम ऑफ द सेम ग्रुप, तो हमने वो कॉन्फ़िगरेशन येस मैंने आपको बता दिया। इसी तरह से ये ना टॉप बायर्स एंड सेलर्स भी बताता है, यू कैन फाइंड द टॉप बायर्स एंड सेलर। इसके लिए हमें करना क्या है, हमें कंट्रोल F7 प्रेस करना है। देखते हैं हम यहाँ पर गए, ये देख रहे हैं आप। अच्छा, इसको भी आप अब तक समझ चुके होंगे, ये जो दो बार हैं F7 के नीचे दो बार हैं, ये कंट्रोल का साइन है, है ना। पहली बार तो मैं इसको क्लिक करके काम चला दूंगा, लेकिन फिर भी अगर आपको कीबोर्ड से करना हो तो ये कंट्रोल है, और अगर सिंगल बार होती है तो वो ऑल्ट होता है। दो तरह की कीज़ है ना, एक कंट्रोल की होती है, एक ऑल्ट की होती है। तो यहाँ पर आपको कंट्रोल की F7, इससे हमारे को जितने भी हमारे टॉप बायर्स एंड सेलर्स हैं उनके बारे में पता चलेगा। अब फिर वही बात है कि अभी तो हमारी बहुत थोड़ी सी ट्रांजेक्शन्स हैं, तो वो सारी ही दिखा देगा। अगर हम इसमें बात करते हैं तो टॉप परचेजेस की बात करें तो बजाज एंड कंपनी से टोटल हमारे 17 पीस हैं, रोहन ट्रेडर से 10 हैं, तो वो दिखा रहा है। रीतन कंपनी को जो है 10 पीस हमने बेचे हैं, तो ये एक तरह से हमारे टॉप बायर्स एंड सेलर्स जो है वो दिखा रहा है। अगर हम इसकी कॉन्फ़िगरेशन पे जाएं तो ये दिखा रहा है शो नंबर ऑफ टॉप बायर्स एंड सेलर्स, है ना, शो नंबर ऑफ टॉप बायर्स एंड सेलर्स, इसमें ये 10 दिखा रहा है, करेक्ट। तो आप इसको कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, आप सोच सकते हैं कि नहीं मुझे तो टॉप 5 ही दिखा दो, या मुझे टॉप 15 दिखाओ, तो आप थोड़ा सा इसको अपने हिसाब से कन्फिगर कर सकते हैं, राइट। तो ये पेज जो है ये आपको दिखा रहा है आपके, ये आप देख रहे हैं लेफ्ट में ऊपर टॉप पर जैसे गेटवे ऑफ टेली लिखा रहता है, ऐसे यहाँ पर लिखा हुआ टॉप बायर्स एंड सेलर्स, है ना। ये इस पीरियड का दिखा रहा है, 1 अप्रैल से लेके 30 अप्रैल तक ये पीरियड आपको दिखा रहा है। जहाँ पर भी F2 पीरियड की ऑप्शन है, दैट मीन्स डेफिनेटली आप अगर कोई भी रिपोर्ट निकालते वक्त नाम चेंज करना चाहें, किरण एंड कंपनी में हम डील कर रहे हैं तो पीरियड आप चेंज भी कर सकते हैं। तो किसी भी पर्टिकुलर पीरियड में कौन टॉप बायर्स रहे सेलर्स रहे वो आपको टैली 1 सेकंड में निकाल के देता है। तो देखा जाए तो अगर हम टैली के अंदर प्रॉपरली एंट्रीज कर रहे हैं तो ये हमें काफ़ी हेल्प करता है। इसी तरह से अगर आपको किसी और आइटम की जो है डिटेल देखनी है तो आप F4 प्रेस करके उसका हमें कर सकते हैं। तो एक बार हम बाहर जाएंगे, अब ये है आपका F4 आइटम। तो बजाज फैन की जगह अगर आप हिटाची AC की ऐसे ही इन्फॉर्मेशन देखना चाहें तो ये सेम परचेजेज में हिटाची AC की इन्फॉर्मेशन आ गई, सेल तो कोई है नहीं, सिर्फ 2 परचेजेस हैं, है ना। और अगर हम किसी और चीज़ की देखें, LG रेफ्रिजरेटर की देखें, तो ये हमने ख़रीदा था, ये हमने इसको बेचा है, और आइटम्स ऑफ द सेम ग्रुप भी दिखा रहा है, LG रेफ्रिजरेटर, वीडियोकॉन रेफ्रिजरेटर, वर्लपूल रेफ्रिजरेटर। सो लाइक दिस अलग अलग इन्फॉर्मेशन आप अलग अलग प्रोडक्ट्स की जो है वो देख सकते हैं। इसी तरह से मैं पोलर फैन का अगर देखूं, सो दिस इज़ माय स्टॉक क्वेरी फॉर पोलर फैन। तो लाइक दिस वी हैव टू डू, और मेरे ख्याल से इसमें अब और बहुत ज़्यादा कुछ समझाने के लिए नहीं है, तो सिमिलरली यू कैन डू दिस, फाइन। चलिए जी, थैंक यू वेरी मच।